हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट का, ये एट का ही नहीं, नाइन टेन ट्वेल्व जिसमें भी होगा, फोर्स एंड प्रेशर। आज हम फोर्स और प्रेशर का सारा डाउट क्लियर कर देंगे, लेकिन पहले आज हम पढ़ेंगे केवल फोर्स। आज के वीडियो में हम केवल फोर्स पढ़ेंगे। अब फोर्स का डिफिनेशन मतलब ये, फोर्स में देखिए क्या टाइप्स पढ़ना है, बस चार पढ़ने हैं, पाँच पढ़ने हैं। एक ये फोर्स किसे कहते हैं, उसके बाद से ये पढ़ने हैं, फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, उसके बाद हमको पढ़ना है एक्सप्लोरिंग फोर्स, और हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ फोर्स, और लास्ट पढ़ना है टाइप ऑफ फोर्स। बस इतना ही पढ़ना है, फोर्स समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं फोर्स किसे कहते हैं। और ये देखिए, फोर्स में पुश आता है और पुल आता है, तो पुश और पुल क्या है वो भी हम समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले फोर्स का डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद से समझेंगे फोर्स किसे कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहले तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। फोर्स, ए फोर्स और सॉरी ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड फोर्स। अब देखिएगा, किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पार्टिकल को, अगर ये है ना कोई सब्सटेंस है, अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको पुश करें मतलब क्या करें, धक्का दें, तो ये क्या होगा, अपने इस जगह से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो रहा है। अगर ये क्या हो गया, पुश हो गया, हमने क्या किया, पुश किया। अगर पुल का मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करें, अपने तरफ खींचे, खींच रहे हैं ना, तो खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, पुश के बाद से पुल हो रहा है, मेरे तरफ आ रहा है। मतलब एक यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे पुश के जगह पे, और यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा पुल के जगह पे। मतलब पुश का मतलब धक्का देना, धक्का दे करके और किसी वस्तु को या कोई सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, और पुल का मतलब क्या होता है, किसी सब्सटेंस को खींच कर अपने तरफ लाना, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ भी होंगे वहाँ फोर्स लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम्पल के लिए, क्या ये दोनों ऐसा कोई का वर्क बताइए जिसमें पुश का भी काम होता हो और पुल का भी काम होता हो। तो जी हाँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे एक आपको फिगर दिख रहा होगा जो आरी बोलते हैं उसको, अगर किसी वुड के दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें काटने के लिए जो चीज उपयोग करते हैं, एक बार इधर पुश करते हैं, एक बार इधर ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, पुश करते हैं और फिर इसको पीछे की तरफ बैक करते हैं, तो क्या करते हैं, पुल करते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल किसमें आता है, पुश भी होता है और पुल भी होता है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु को, किसी भी सब्सटेंस को जब खींचा जाएगा तो पुश का प्रयोग होगा, सॉरी किसी भी वस्तु को अगर धक्का दे रहे हैं तो पुश का प्रयोग होगा, और किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मटेरियल को हम खींच रहे हैं तो हमारा क्या होगा, पुल होगा। अब हम ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप फोर्स का डिफिनेशन समझ गए होंगे, पुश और पुल समझ गए होंगे। अब छोटे छोटे करके वीडियो आएगा, और आगे आपको नेक्स्ट पार्ट जो फाइव बताया हूँ उसका वीडियो आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।